हेलो किड्स, वेलकम टू एडू फेवर स्कूल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्राफ्ट वर्क। एंड क्राफ्ट वर्क में आज हम बनाने वाले हैं 3D शेप में कैटरपिलर। सो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सो किड्स, आज हम कैटरपिलर बना रहे हैं। और कैटरपिलर बनाने के लिए इस तरीके की, सबसे पहले आपको स्क्वायर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको स्क्वायर शीट ले लीजिए। एंड पिंक कलर हमने लिया है, इससे हम फेस बनाएंगे। एंड ब्लैक कलर से हम इसके हॉर्न्स बनाएंगे। सो चलिए पहले हम ये जो ऑरेंज शीट लिया है, इसको सबसे पहले वन लाइन आपको यहाँ डालना है। सो थोड़ा सा इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन थोड़ा सा नीचे से तो इतना सा लेकर के आपको फोल्ड कर लेना है। देन हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे। इतने इतने हमें स्ट्रिप्स कट करना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ऊपर, वहां तक आपको स्ट्रिप्स कट करना है। ज्यादा पतला भी हमें स्ट्रिप्स कट नहीं करना है और ना ही ज्यादा मोटा। एक साइज में आप स्ट्रिप्स कट करते जाइए। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करना है। देन जहाँ हमने लाइन खींची थी वहाँ से इस तरीके से वन फोल्ड हमें कर लेना है स्ट्रिप्स के ऊपर, ताकि इजी तरीके से हमारा इस तरीके से पेस्ट हो जाए, इजी तरीके से हम इसे पेस्ट कर पाए। देन इसे अब हमें वन बाय वन लेकर के और इस तरीके से ग्लू की हेल्प से पेस्ट करना है। तो देखिए ग्लू लगाते हैं एंड पेस्ट करते हैं। हमें सारे स्ट्रिप्स को ऐसे ही वन बाय वन पेस्ट करते जाना है। वन बाय वन सारे स्ट्रिप्स को आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ताकि सारे स्ट्रिप अच्छे से पेस्ट हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से बन के आपको मिलेगा। हमने सारे स्ट्रिप्स इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं और अब हमें बनाना है फेस। सो फेस बनाने के लिए हम एक स्मॉल सा सर्कल बनाएंगे, जो कि हम दूसरे कलर का यूज कर रहे हैं। आप पिंक ले सकते हैं या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जिससे भी आपको फेस बनाना हो। ड्रॉ कर लेना है। देन हमें हॉर्न, सो टू हॉर्न्स हमें ड्रॉ करना है। हमें से हाफ करके देन ड्रॉ करके कटिंग कर लेते हैं। हम पेस्ट कर लेते हैं इस फेस के साथ। देखिए इस तरीके से हमें हॉर्न्स को पेस्ट कर देना है। एंड अब हम इसमें आईज बनाते हैं। हमारे कैटरपिलर की आईज बन गई, इसका माउथ,
तरीके से एंड अब हम इसे पेस्ट करते हैं। इसके साथ यहाँ आपको पेस्ट करना है, इसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं और देख सकते हैं हमारा कैटरपिलर बनके तैयार है। 3D टाइप में अगर आप खेलने के लिए, क्लास में डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से कैटरपिलर बना सकते हैं, इसे खेल सकते हैं, क्लास डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमारा कैटरपिलर लग रहा है। अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। किड्स देखिए हमारा कैटरपिलर बनके तैयार है। इसे इजी तरीके से आप घर पे इजी तरीके से बना सकते हैं, खेल सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इससे हमारी रेगुलर वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।